हेलो दोस्तों, सुपर बॉलर आ चुका है हमारे गेम में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, लीग्स में सुपर बॉलर आने वाला है और कल के वीडियो में बताया था। और ये ट्रिपल स्ट्राइक करेगा। ट्रिपल स्ट्राइक का मतलब है ट्रिपल स्ट्राइक करेगा, जो बाउंस करेगा इसका बॉलर वो तीन बार स्ट्राइक करेगा। लेवल 6 का होगा, टाउन हॉल 14 पे। और दोनों के स्टैट्स आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इसका जो डैमेज रहेगा वो स्प्लैश डैमेज रहेगा। बॉलर और इसके स्टैट्स को कंपेयर कर सकते हैं। टाउन हॉल 12 पे ये अनलॉक होगा हमारे पास, और टाउन हॉल 11 पे नहीं। टाउन हॉल 12 पे लेवल 4 का रहेगा और टाउन हॉल 13 पे लेवल 5 का रहेगा। और टाउन हॉल जो 14 रहेगा उसमें लेवल 6 का रहेगा। और इसमें लिखा है सुपर बॉलर लेवल मैचेस, जो लेबोरेटरी में अपना लेवल रहेगा वो ही रहेगा। उससे पहले कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ स्पेशल स्किन से रिलेटेड एक स्पेशल बटन आएगा जो रेंडमली हमारी स्किन्स को सिलेक्ट करता रहेगा इन गेम में खुद के हिसाब से। एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा एक्टिवेटेड। तो ये कुछ आया है, ये स्नीक पीक 2 की मैं बातें कर रहा हूँ। सीनरी के केस में ऐसा नहीं होगा। टाउन हॉल की जो सीनरी रहेगी, आपके पास मल्टीपल अगर सीनरीज है तो वो नहीं होगा। क्लान एक्सपी जो रहता है अपना, क्लान एक्सपी नहीं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस लेवल, वो आप अब जो वार में डोनेशन है वो उसको करके भी ले सकते हैं। तो ये सुपर बॉलर के हम देखेंगे, सुपर बॉलर को अटैक करके देखेंगे क्या है, किस हिसाब से है। टाउन हॉल 12 का ये बेस है जो सुपर सेल ने डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है, वही दिखा रहे हैं। ठीक है, दो बाउंस कर रहा है, सेकंड वाले को ज़्यादा डैमेज दे रहा है और थर्ड वाले को। तीन बार इसका बाउंस कर रहा है सुपर बॉलर, तीन स्ट्राइक कर रहा है, थ्री स्ट्राइक्स रहेगी, ट्रिपल स्ट्राइक रहेगी। और इनिशियल टारगेट्स को हिट पॉइंट्स ज़्यादा रहेगा बीच वाले का। देखिए रेज स्पेल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा, लेकिन इसका हाउसिंग स्पेस आपको ध्यान देने वाली बात है। हाउसिंग स्पेस 30 का रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं बॉलर और सुपर बॉलर के बीच में कैसा रहेगा। ये सुपर बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि, लेकिन हाउसिंग स्पेस भी ज़्यादा है। बॉलर का जो डैमेज सेकंड जो आप देखिए वो नॉर्मल टाइप का है, जबकि इसमें स्प्लैश डैमेज है। स्प्लैश डैमेज ज़्यादा हार्मफुल रहता है, जैसे कि हमारे विजर्ड वगैरह करते हैं, विजर्ड टावर वगैरह स्प्लैश डैमेज देते हैं। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सुपर सेल हमेशा मैनेज करके चलता है कि गेम में बैलेंस बना रहे। देखिए एक टाइल के रेंज में ये बढ़िया डैमेज दे रहा है, क्योंकि तीन टाइल तक इसका पहुंच रहा है। तीन बार ये बाउंस कर रही है इसकी बॉल। तो ये देखिए आप, सेकंड वाला ज़्यादा डैमेज ले रहा था क्योंकि सेकंड टाइम जो टाइल का गैप था वहाँ पे गिर रहा था। ये देखिए यहाँ पे गिर रहा था सेकंड वाले और थर्ड के बीच में, इसलिए सेकंड वाला पहले डाउन हो गया। इस टाइप के सिनेरियो में क्या होगा वो देख लेते हैं। इस टाइप के सिनेरियो में कुछ अलग सीन हो सकता है। यहाँ पे टाइल्स का गैप देखिए, यहाँ पे ही गिर रहा है सेकंड टाइम भी। तो ये यहाँ पे सेकंड वाले में ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा नॉर्मल बॉलर, लेकिन थर्ड वाला दे रहा है। सुपर बॉलर के और टाउन हॉल के साथ कैसे रहेगा वो देखना है हमें। टाउन हॉल के साथ देखिए दो बॉलर हमने डिप्लॉय किए हैं, तो टाउन हॉल को अभी तक डैमेज नहीं दे पाया पूरी तरह, उसको फोड़ नहीं पाया है। लेकिन अगर ये पॉइजन से निकल पाता है क्या, वो देखने वाली बात रहेगी हमारे लिए, कि टाउन हॉल का जो मेगा पॉइजन रहता है उससे निकल पाएगा क्या बॉलर। नहीं, ये नहीं निकल पाएगा। तो ये भी हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि टाउन हॉल पे आउट रेंज में रह सकता है क्या वो अगला, ये हमारा है। देखिए आउट रेंज में रहकर भी टाउन हॉल को डैमेज दे सकता है, तो ये केस भी हम ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो हो तो बेटर है कि टाउन हॉल के पास कुछ हो तो वहाँ पे अपन बॉलर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग ये कि वो 30 स्पेस कवर कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे लिए सिलेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेटाज आएंगे इसके रिगार्डिंग, और ग्राउंड अटैक सुपर्ब होने वाले हैं इस अपडेट के बाद में। और अपडेट मंडे या ट्यूसडे को लाइव होगा, कल के स्निक पीक भी आएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आप तुरंत वीडियो देख पाएँ इससे रिलेटेड। जो सीसी रहता है डिफेंडिंग सीसी, उसमें क्या रहेगा अभी तक हम देखेंगे। इनिशियल मेरे इंप्रेशन यही रहे हैं कि ये काम का नहीं है। 30 स्पेस ले रहा है अगर, तो ये कोई काम का नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीसी में इसको यूज करें। आगे अभी हम देख लेंगे कि क्या रहता है जब आएगा स्टैट्स। तो ये रहा हमारा सुपर बॉलर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट है, आपसे आपका हेल्प चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन।
लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।